वेलकम फ्रेंड्स, आरवीआर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप कर लिया है और फोटो के बैकग्राउंड को फोटोशॉप में जाकर रिमूव कर लिया है और होली का एक इमेज इंसर्ट कर लिया है। तो इन सभी को मिलाकर एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन कम्प्लीट करेंगे। डिजाइन कम्प्लीट होने के बाद इसके CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज बार कर लेता हूं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल में कंट्रोल की प्रेस करते हुए ड्रॉ कर लेता हूं बिल्कुल वर्गाकार में। उसके बाद कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसी के अंदर इन सभी मैटर को हम सेट करेंगे। तो पहले इस बैकग्राउंड को सेट कर लेते हैं यहाँ पर। इसको करेंगे शिफ्ट के साथ पेज डाउन। ऑलरेडी ये पेज डाउन है ही, इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ लगभग इतना। अब इसी कलर को हम इसमें फिल करेंगे। तो यही सेम कलर हम कैसे फिल करेंगे, उसके लिए टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सेट करते हैं आई ड्रॉपर टूल। सिंपली इस कलर को मैं पिक करता हूं। तो जैसे आप इस कलर को पिक करते हैं, आप देख सकते हैं एक डिब्बा आ गया है कलर का। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये कलर फिल हो जाता है सेम कलर। अब इस बैकग्राउंड को हम इसी में पावर क्लिप कर देते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, सिंपली इसमें पावर क्लिप कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कलर आपस में मिक्स नज़र आ रहा है। इसकी साइज थोड़ी सी मैं और बढ़ा देता हूँ लगभग इतना और टॉप साइड में ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इमेज सेट कर देता हूँ। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। इसको शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप और इसको भी इसी में पावर क्लिप कर देते हैं। तो इस पर भी राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने पहले से टाइप करके रखा है, इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसको भी शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप। होली का फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ। तो होली को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल से और इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देते हैं। इसका फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ। तो ये गूगल फॉन्ट है, गूगल का एक खंड फॉन्ट है। इस बार मैं यहाँ पर फॉन्ट लगाता हूँ अमिता। तो टाइप करेंगे AMIT अमिता। तो थोड़ा सा स्टाइलिश लेटर आपको मिल जाता है। अब इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसमें फिल करेंगे पिंक कलर। इसी सेम कलर को हम इसमें फिल कर देते हैं। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं, आई ड्रॉपर टूल सेट करें, सिंपली यहां से कलर पिक करें, उसके बाद इसमें फिल कर देंगे। कलर फिल करने के बाद यहां पर हार्दिक शुभकामनाएं टाइप कर लेते हैं। इसको मैं दो लाइन में कर लेता हूं। तो यहां से इंटर प्रेस करेंगे और ऑलरेडी सेंटर में हो ही जाता है। अब इन दोनों को सेट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद मैं इसमें ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं, आई ड्रॉपर टूल सेट करें, सिंपली यहां से कलर पिक करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप मैचिंग कलर का यूज कर पाएंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। चाहे तो आप इसकी साइज और बढ़ा दें। तो मैं थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ। इस फोटो को थोड़ा सा और टॉप साइड में लाएंगे। उसके बाद इन सभी को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। तो लोगों को मैं टॉप साइड में यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद नेम टाइप करेंगे, या फिर आप नेम को ऊपर रखें और लोगो और ये जो पूर्वांचल क्रांत है इसको दोनों को एक साथ कर लें इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, उसको कर देते हैं 1 पॉइंट। 1 पॉइंट करने के बाद अब इससे मैं डार्क कलर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां से मैं इस कलर को सेलेक्ट करता हूं, या फिर आप इस कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है और सिंपली यहां से इस कलर को सेलेक्ट कर लें, इससे डार्क कलर। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी करेंगे और इसको मैं राइट साइड से लगा देता हूँ। राइट साइड से लगाने के बाद यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो फ्री हैंड टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट इसी का डुप्लीकेट करेंगे। पहले इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से करते हैं 1 पॉइंट। अब इसी का डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल R से रिपीट करेंगे। अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक ही रखेंगे इसके अलाइनमेंट में। तो मैं एक गाइड लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पर और फिर इसकी साइज छोटी कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी सेम कलर को इसमें फिल कर देंगे। तो इस कलर को मैंने फिल कर दिया। उसके बाद टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें, सिंपली राइट साइड से ट्रांसपेरेंट कर दें। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब बॉटम साइड में हम ईमेल और मोबाइल नंबर सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें और इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूं केसरिया।
आउटलाइन रन करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल को सेट कर देते हैं। इसको शिफ्ट के साथ करेंगे पेजअप। अब चाहें तो आप इस मेल आईडी का कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, तो मैं इसी रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट करता हूं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको टॉप साइड में थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस एरो से मैं लेफ्ट साइड में तिरछा कर लेता हूं। तिरछा करने के बाद इसी का डुप्लीकेट राइट साइड में एक और करेंगे, उससे पहले इसी साइज में बढ़ा देता हूँ लगभग इतना। अब इस पॉइंट से मैं ड्रैग करता हूँ लेफ्ट साइड में, पहले कंट्रोल की प्रेस करें उसके बाद इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में ड्रैग करें, राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें, एक डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद इस पार्ट को मैं फिल कर देता हूँ स्मार्ट फिल टूल का यूज करके। तो टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। फिल करने के बाद इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इससे भी डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस केसरिया कलर पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है और यहाँ से आप डार्क कलर सेलेक्ट कर लें और फिर इसका कलर इससे भी डार्क कर देते हैं। तो इस पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे, कलर का कलेक्शन ओपन हो जाता है, यहाँ से सिंपली डार्क कलर सेलेक्ट कर लें। आउटलाइन रन करेंगे और टेक्स्ट का जो कलर है ईमेल का, इसका मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद अब ये जो पार्ट बाहर जा रहा है इसको हम इसी में पावर क्लिप कर देंगे। तो इन सभी को मैं बाहर से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, अब इसी में पावर क्लिप हो जाता है। ये जो पार्ट बाहर जा रहा था इसी रेक्टेंगल के अंदर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ आप सोशल मीडिया ऐड डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने एक आसान सा सोशल मीडिया ऐड डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।